अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के जी। आई टेल यू, आज के दौर में नौकरानियां इतनी खूबसूरत बनती है ना, भगवान इसका अपने पिंकी को ही देख लीजिए। आशीष पीता हूँ, चाय पीता हूँ। क्या मामले से कुछ नहीं कहती? गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। अरे भैया चाय लो। नहीं मुझे नहीं। आ जा रहे हैं, चाय तो पी लो। नहीं मैम, मैं सोच रहा था मैं एक वॉक लगा के आ जाऊँ। वॉक अभी? अरे बाहर इतनी धूप होगी कि दिमाग भी गर्म हो जाएगा। सुबह सुबह उठा करो, ये नहीं कि 8 बजे आँख खुली और चल दिए वॉक पर। दुनिया चली काम पर, जनाब चली वॉक पर। लेकिन गायत्री इसी तरह तो आदत पड़ जाएगी। आज 8 बजे, कल 7:30 बजे, परसों 6 बजे। पॉइंट है जीजू का, है ना? चाय तो पीते जाना। अरे आज छोड़ो, मैं जगाऊंगी तुझे सुबह सुबह। नहीं माँ, मैं आज जाकर आता हूँ, मैं भी आ जाता। चलो मैं भी आ जाऊँ। अरे कुछ ठंडा वंडा अब जा रहा है तो लेके आ। हाँ ऐसे दे, चल देना थोड़ा एक्स्ट्रा देना। चाय ये भी बोलता है, चाय लो। रोहित जरा सीरियस हो गया है सेहत को लेकर। अच्छा है नमाजी, अपना ख्याल रखेंगे तो हम सब भी ठीक रहेंगे। हेलो हेलो, कोई नहीं बोला ना? ऐसे फोन आजकल रोज आते, उठाओ तो काट देता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ब्लैंक कॉल था। हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब भी मैं फोन उठाती हूँ कोई बोलता ही नहीं, तब मुझे लगता है सैमसंग के लिए आते होंगे। चलो चलो, रुको मैं उठाती हूँ। हेलो। हेलो शिवानी, मैं रोहित। हाँ भाभी। तुम गई नहीं अब तक? नहीं। आया क्या? हाँ। अच्छा शिवानी, क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करता हुआ चलूं? नहीं आज नहीं। शिवानी तुम विकी से कोई बहाना कर लो और मुझे मिलो। नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से तुम्हें फोन करती हूँ। ओके सैमसन, मैं तुम्हें ऑफिस से फोन करती हूँ। गायत्री तुम जल्दी से नाश्ता लगा रहे हो, मैं 2 मिनट में नहा कर आता हूँ। मुझे छोड़ते हुए जाओगे? क्या नया नाटक शुरू हो गया है, ऑफिस छोड़ते हुए जाओगे? पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा ठीक है, तुम मुझे चाबी दो, पहले मैं अपना पर्स बाहर निकालूंगी। कल मुझे धक्के खाते हुए घर आना पड़ा लोगों से पैसे उधार लेकर। तो तुम भूलती क्यों हो? अरे भूल गई तो मान गई गलती ना, पर तुम पता नहीं कहाँ गायब थे, कोई अता पता ही नहीं। दो चाबी दो, मैं निकाल कर दे दूंगा। ठीक है मैं निकाल लूंगी। मैंने कहा मैं निकाल कर दे दूंगा। डरते हो कहीं कोई रुमाल वगैरह दोबारा ना मिले? तुम्हें अगर राई का दाना भी मिल जाएगा ना तो तुम उसका पहाड़ बना दोगी, और मैं दोबारा से वो टेंशन नहीं चाहता। नहीं मैं चाहती हूँ, तो ठीक यही होगा कि तुम ही निकाल कर दे दो। सैमसन ठंडा पानी लाना। मुंह क्यों बना रही है? मैंने क्या? ठंडा पानी मना है आपको? कुछ नहीं। कैसा है सैमसन? मैं ठीक हूँ। दीदी कहाँ गई तेरी?
वो तो ऑफिस गए विक्की भैया के साथ। कहा था ना मैंने, कितनी बार कहा था इस समय घर पे नहीं मिलेगी, ऑफिस चली गई होगी। और एक तुम होगी नहीं जी, शायद घर पे मिलेगी, शायद घर पे मिलेगी, मिल लो अब। पर भाभी अभी तो आपसे बात की दीदी ने। हाँ कुछ 15-20 मिनट पहले। भांग भी खाते आजकल क्या? नहीं भैया मैं सच कह रहा हूँ, विक्की भैया भी खड़े थे, फोन पे बात की और उन्होंने कहा कि भाभी का फोन था। तो बकवास बंद कर, मेरे लिए कुछ खाने को ला, बहुत भूख लग रही है मेरे को। ठीक है भैया। और ये डॉक्टर वाले भी ब्लड टेस्ट चेकअप खाली पेट क्यों कराते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। शाम को तो शिवाने। नहीं विभू आज नहीं, आज मैं भाभी के पास जाऊंगी। हाँ उनको फोन आया था ना। ओके बाय। जरा सा तुम कहाँ हो? ऑफिस में। मैं तुम्हें आधे घंटे में फोन कर लूँ ऑफिस पहुँच कर? नहीं नहीं मैं करती हूँ, तुम आधे घंटे बाद पहुँचोगे ना ऑफिस? मैक्सिमम 1 घंटा। ओके बाय। सैमसन अब तुम्हारी दीदी जितने बजे भी आएगी उसको कहना तुम्हारे भैया बहुत नाराज हैं। क्या कहेगा? भैया बहुत नाराज है। हाँ, उसे कहना इसलिए भी नाराज है क्योंकि ना तो तुम मुझे फोन करती हो और ना ही घर पे आती हो। क्यों नाराज है? क्योंकि ना ही तुम फोन करती हो और ना ही घर पर आती हो। हाँ क्या बात है। उसे कह देना कि अगर शाम तक उसने मुझे फोन नहीं किया तो हमारे सारे रिश्ते खत्म। क्या खत्म? सारे रिश्ते खत्म। और अगर तूने ये चीज उसे नहीं बताई तो तू खत्म। कौन खत्म? मैं खत्म। शाबाश अब हम जाए। क्या काम है? अब हम जाए। याद से बोलना उसको। आज हाँ शिवानी बोलो। शूटिंग कर रहे थे? हाँ एक एड फिल्म थी। कब? नहीं मनोज शॉट ले रहा है। वो कर लेता है शूटिंग? हाँ हाँ मुझसे ज्यादा तो वही कर लेता है। और शिवानी सुबह तुम कहीं बाहर से फोन कर रहे थे? हाँ मार्केट से। क्यों? काफी ट्रैफिक की आवाज थी इसलिए। हाँ बहुत ट्रैफिक गुजरती है बाहर से। और शिवानी ऑफिस के बाद मिल सकती है? रोहित आज नहीं। क्यों? रोहित हर रोज। क्यों शिवानी हर रोज क्यों नहीं? अच्छा ठीक है। कहाँ? तुम बताओ। ऊपर बारिश हो रही है, मैंने उनके पाँव छू लिए। चलता हूँ पिकी। पिकी पिकी रोना मत, मैं तुमसे बात जरूर करूंगा लेकिन अगर फोन किसी और ने उठाया तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, मुझे आवाज मत देना अभी और ना ही मेरे यादों को अपने गले से लगाना। तुम जाके
जिस घर में मैथ्स के ट्यूशन के लिए 200 रुपए नहीं मिलते, जहां मेरी दीदी इतना कमाती है, जहां मेरे जीजा इतना कमाते हैं, अरे मेरा बाप तो पैसों के बिस्तर में सोता है, अगर 200 रुपए नहीं मिलते तो इस संसार में रहने से क्या फायदा है? पिंकी, मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ, मैं क्लास में तुमसे पैसे नहीं लूंगा। आई फील लाइक अ बेटर इन अ बार। मैं गिर जाऊंगा पिंकी, मैं अपने नजरों में गिर जाऊंगा, प्लीज मैं बहुत गिर जाऊंगा, बहुत बहुत तो नहीं होते 200 रुपए, लेकिन मैं बहुत गिर जाऊंगा। सुनो, मैं तुम्हें अभी देती हूँ, तुम मुझे वापस दे देना, बस। तुम्हें लेना होगा लेकिन हा? तुम यही ठहरो, प्लीज जाना मत, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना वरना मैं चला जाऊंगा, बैग भी इधर ही। नहीं नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ। 200 रुपए, 50, 250, नहीं 200 रुपए। हेलो, हाँ मूली, हाँ मैं पराठा बोल रहा हूँ। और कैसा है? हाँ बस चल रहा है यार। अच्छा सुन, आज पार्टी है, मैं दे रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ यार। पिज्जा खाएंगे, पिज्जा। पैसे बाएं हाथ का खेल है यार, पैसे में तो बाएं हाथ का खेल है। तेरे जैसे चोरी नहीं करना पड़ता मेरे को बाप के किस्से में से। दिमाग है दिमाग। हाँ आजा, आधे घंटे बाद। ठीक है, ओके ओके ओके, पिज्जा खाएंगे यार। जल्दी आ गया आज ऑफिस से? हाँ, पर तेरे चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हुई? कहाँ, मैं तो ऐसे, मैं खुश हो रहा था कि तू जल्दी आ गई ना, तो मैं पिज्जा 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 नहीं, मैं गिरगिट बन गया हूँ, रंग बदल रहा हूँ ऐसे ही। तू रुक, मैं आता हूँ तेरा। सुन सब ठीक है? क्या बात कर रही है तू, सब कुछ ठीक है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तुझे तो दाल भी नजर आ रही होगी, इधर किधर है दाल, किधर है दाल? मैं आता हूँ, एक मिनट मैं आता हूँ। तू पहले बता, बाद में मैं दे दूंगी। माँ मैंने कहा ना, मैं बाद में बता दूंगी, मुझे पैसे के पेड़ पे उगते हैं। दे दो दे दो दे दो। माँ मुझे पैसे दो ना प्लीज। क्या हुआ माँ जी? अरे कुछ नहीं, ये 200 रुपया मांग रही है, मैंने इससे पूछा क्यों चाहिए तो कहती है बाद में बताऊंगी। माँ जी मुझे लगता है उस आशीष ने इसे दोबारा पागल बनाया है। पिंकी बता, आशीष के लिए चाहिए? हाँ नहीं, सच सच बता। हाँ। आज तो मैं उसे घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। जी रोहित का कोई फोन नहीं, आज तो उसका फोन भी नहीं आया, बल्कि मैं ही सोच रही थी उससे फोन करके बात तो कर लूं। माँ बताओ ना, आज खाना क्या बनाएंगे? घूम फिर कर वही सब्जी, वही दाल। God. और तेरे पति के नखरे भी इतने हैं ना। लगता है भैया जल्दी आ जाएंगे, आज उनके कोई मनपसंद की चीज बनाते हैं। हाँ Thank you.
कितनी थी फ्री है? मुझे भी मिली थी। देर हो गई है, तुमने कुछ मंगवाया है? हमेशा ये डर सा लगा रहना कि रोहित कहीं कोई हमें देख ना ले। शिवानी तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे पूछा था कि अगर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहें जैसे हम चाहते हैं, उसके साथ हम चाहते हैं, तो तुमने कहा था कि रोहित इसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी। तुम जानती हो कि कीमत क्या है? ये जो खुद के साथ जंग चल रही है, कीमत है वो सवाल कि हम सही हैं या गलत। ये तो हमेशा हमारे साथ चलता रहेगा। अब बहुत हो गया गायत्री, 6 साल हो गए, इसे भी कोई फैमिली प्लानिंग कहते हैं? अगर वो नादानी कर रहा है तो तुम्हें समझदार होना चाहिए। देखो उम्र बढ़ती जाती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। मैं इसे अंदर ले जाऊं? नहीं जरा रहने दे और ठंडा होने दे उसे। तू ऑफिस में फोन करके देख तो ले। रोहित तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे? हाँ, मैं भटक गया था तब तुमने मुझे पता बताया था। मैंने तुम्हें गलत पता बताया था। इसीलिए तुम दोनों भटक गए। कभी कभी मुझे लगता है कि वो एक सपना था। अब कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये सपना है। तो हकीकत क्या है मित्र? हकीकत है शिवानी तुम और मैं, हमारी अपनी अपनी जिंदगी, हमारे अपने समझौते। हकीकत है ये वक्त ये पल जो हम दोनों मिलकर बांट रहे हैं। माँ सुनो, माँ जी वो ऑफिस में नहीं है, यानी कि आने वाले होंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अभी भी तो 7 ही बजे हैं, तू जाकर सबके लिए चाय बना। पिंकी ब्रेड और बटर भी लेके आ। ठीक है पिंकी। अब क्या है? ये पालक धो ले और बॉईल करने के लिए रख दे,
मैं और लाती हूँ। ठीक है। तू चिंता मत कर सांसा, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। किसी का फोन था? अच्छा ठीक है। क्या कहा सैमसंग? कुछ नहीं, कह रहा था कब खड़ा होगी दीदी। तो तुमने क्या कहा? आ जाऊंगी। खाना खा कर या? नहीं नहीं रोहित, मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगी और मेरे ख्याल से तुम्हें भी घर जाकर ही खाना खाना चाहिए। देखो दीदी कौन है। वेलकम होम शिवानी। चलते रहते कि चलना है मुसाफिर।